नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है लोजपा की दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर। और इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि लोजपा की जो बैठक चल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसमें चिराग पासवान अपना दम दिखाएंगे। चिराग पासवान दम दिखाने के लिए बैठे हैं कि आखिर चिराग पासवान के जो वो 77 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, यानी LJP के जो वो सदस्य हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं वही चुनाव करते हैं अध्यक्ष का, तो वो 77 की जो संख्या है वो चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान आज बड़ी बैठक कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। इसमें ये जो लड़ाई चल रही है चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई, वो उसका पीक होगा कि किस तरह से चिराग पासवान पार्टी में मजबूत हैं या फिर पशुपति कुमार पारस। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने कल अपनी कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया था, तमाम लोगों को सदस्य घोषित कर दिया गया था, पुरानी कार्यकारिणी को उन्होंने भंग कर दिया था। ये तमाम गतिविधियां कल देखने को मिली थी चाचा की तरफ से, तो आज भतीजे की बारी है। इससे पहले कल आपको बताएं कि चिराग पासवान ने कल लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी, उनके सामने अपनी बात रखी थी, अपनी पार्टी के संविधान का हवाला दिया था और कहा था कि पार्टी के संविधान के मुताबिक जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, उसमें सुधार होनी चाहिए। यानी जो पशुपति कुमार पारस को LJP का नेता बना दिया गया सदन के अंदर संसदीय दल का, वो गलत है, पार्टी के संविधान के विपरीत है। तो चिराग पासवान ने अब पूरी तरह से चाचा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और आज जो 77 यानी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 77 सदस्य हैं, यानी ये जो 77 का आंकड़ा है पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ा मजबूत आंकड़ा है, उस 77 को का दम दिखाने की बारी है। और आज उस 77 का दम दिखाने के लिए चिराग पासवान बैठे हैं। चिराग पासवान का दावा भी है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 77 सदस्य हैं ज़्यादातर उनके साथ हैं, इसकी जंग चल रही है। हालांकि ये खबरें भी आ रही हैं कि जो पशुपति कुमार पारस का खेमा है वो भी इन 77 में से जो ज़्यादातर सदस्यों को अपने तरफ करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन जो खबरें हैं, चिराग पासवान का दावा भी है कि ज़्यादातर जो 77 वाले सदस्य हैं, यानी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 77 सदस्यों की सूची जो चुनाव आयोग को सौंपी गई थी 2015 में, वो सूची के जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर चिराग पासवान के साथ हैं। हम आपको पूरी बात बताते हैं कि लोजपा के संस्थापक जो रामविलास पासवान ने 2014 में ही चिराग पासवान को पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाकर पार्टी में उनका कद मजबूत किया था, बढ़ाने की कोशिश की थी। तब उनके निर्देश पर, रामविलास पासवान के निर्देश पर, तत्कालीन महासचिव थे जो पार्टी के, अब्दुल खालिक ने 30 जून 2015 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 77 सदस्यों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी थी। उनमें से कई अब लोजपा के साथ नहीं हैं और कुछ लोगों का निधन भी हो गया है। हालांकि दोनों गुटों का दावा है कि 2019 में भी चुनाव आयोग की कार्यकारिणी की सूची दी गई थी। चिराग गुट के जो राजू तिवारी के मुताबिक मौजूदा सूची में 77 सदस्य हैं, जिनमें अधिसंख्य जो हैं चिराग के साथ हैं। यानी जो ये 77 का आंकड़ा है, इसमें से ज़्यादातर दावा है चिराग पासवान गुट का कि वो उनके साथ हैं। और आज जो बैठक हो रही है उसमें इन 77 चेहरों को देखने में भी ये पता चलेगा कि इन 77 चेहरों में कौन कौन से चेहरे चिराग पासवान के साथ हैं, ज़्यादा हैं या कम है। तो ये 77 का आंकड़ा कहीं ना कहीं चाचा पर भारी पड़ेगा, या फिर चिराग पासवान जो है चाचा पर भारी पड़ेंगे, या फिर चाचा 77 के आंकड़े को तोड़ देंगे। हालांकि यह अभी देखना दिलचस्प है। आज बड़ी बैठक चल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चिराग पासवान के आवास पर, तो नज़रें टिकी हुई हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनके आवास पर घमागमी बढ़ी हुई है। तो अब आगे देखना लाजमी होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है बैठक के बाद। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों के साथ हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।